नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पी से हमें स्वागत है। आज तारीख है 2 अक्टूबर 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो है। आज गांधी जयंती है और लाल बहादुर शास्त्री जी का भी आज जयंती है, इसलिए वीडियो की शुरुआत एक छोटे से कोट से करते हैं। उसके पश्चात से आज कई सारे ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से सीधे तौर पर सवाल पूछे जा सकते हैं। कोट देखिए क्या है, कुछ लोग सफलता के सपने देखते हैं, कुछ लोग केवल सपने देखते हैं। आप भी होते होंगे ना, बैठे बैठे केवल ये सोचते रहना कि मैं बनूंगा तो क्या कर दूंगा क्या कर दूंगी। बहुत मेहनत लगता है गुरु रिजल्ट में नाम देखने के लिए, जितना सोच नहीं सकते उससे ज़्यादा मेहनत लगता है। वहीं कुछ लोग जागते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं, जो मेहनत करते हैं उन्हीं का सपना सब सच होता है। जो सपना है उन्हीं का सच होगा जो मेहनत करते हैं, उनका कभी भी सच नहीं होता जो केवल सपने देखते हैं। वो देखते ही रह जाते हैं, फिर सालों साल निकल जाता है, फिर वो किसी और चीज़ के सपने देखते हैं। सपने देखने के बाद उसको पूरा करने के लिए मेहनत करना पड़ता है। मेहनत कीजिएगा, कुछ ही दिन बचे हुए आपके एग्ज़ाम में, कुछ ही दिन का मतलब कुछ ही दिन है, 17 नवंबर को पेपर है और आज 2 अक्टूबर है आपका। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखिए हेडलाइन क्या है न्यूज़पेपर का। शास्त्री जी का भी बर्थडे है तो ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। चलिए देखते हैं क्या है हेडलाइन जो है वो तो इसराइल पर अटैक को लेकर है, लेकिन कल रात में जो न्यूज आया वो इसमें हेडलाइन में नहीं दिया हुआ है। क्या था कि ईरान ने कल रात में इसराइल पर फुल फ्लेज अटैक किया है, 200 से ज़्यादा मिसाइलें दागी हैं। और अब ये उम्मीद किया जा रहा है कि ये जो युद्ध है ये बहुत ही बड़े स्तर पर शुरू हो जाएगा। और जो हेडलाइन दिया है उसमें छोटा सा ही जिक्र है, लेकिन सुबह में जो मैंने न्यूज़ देखा है उसमें ये था कि अब इसराइल ने बोला है कि हम भी इसका जवाब देंगे। अब युद्ध ये दो देशों के बीच में छिड़ गया है। देखिए अभी तक हो क्या रहा था, इसराइल और हमास के बीच में पहले था। तो हमास क्या है, एक छोटा सा संगठन है जो ईरान का प्रॉक्सी है। हिजबुल्ला के बीच में था ईरान, इसराइल और हिजबुल्ला के बीच में। हिजबुल्ला भी ईरान का प्रॉक्सी है, ईरान का पाला हुआ एक जानवर है, पालतू जानवर आप बोल सकते हैं। प्रॉक्सी का मतलब यही होता है कि खुद नहीं लड़के किसी को पैसा देकर भाड़े के टट्टू हैं ये। अब दो देश आपस में लड़ेंगे, एक इसराइल है और एक ईरान है। ईरान ने डायरेक्ट अटैक किया है इसराइल पर, अब इसराइल भी उसका जवाब देगा। और अमेरिका ने भी बोला है कि ईरानियन मिसाइल को रोकेगा अमेरिका अगर वो इसराइल पर अटैक करता है तो। इस युद्ध के फैलने की संभावना और भी ज़्यादा हो गई है। उम्मीद किया जा रहा है कि अब ये युद्ध बहुत ही बड़े स्तर पर फैल जाएगा, क्योंकि इसराइल के में काफ़ी सारे लोग मरे हैं ईरान के अटैक में। और उसने बोला है कि हम इसको जवाब तो देंगे ही। अब ये युद्ध जो है वो बहुत ही बड़े स्तर पर फैलने की उम्मीद है। इंडियन एम्बेसी ने भी अपना एडवाइजरी जारी कर दिया है इन देश में रहने वाले लोगों को लेकर कि भाई मिसाइल अटैक वगैरह होने वाले हैं तो कृपया थोड़ा सा सावधान रहें और कोशिश करें कि इस तरह के देशों में ना जाएं। तो ये तो आपका पहला हेडलाइन था, ये युद्ध बहुत ही बड़े स्तर पर फैल जाएगा। एक चीज़ और है, कल बीपीएससी ओटीआर में एडिट करने का ऑप्शन देगा, 4 तारीख से देगा। कल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये फॉर्म का कोई मायने ही नहीं बनता। बीपीएससी ने जल्दीबाजी में फॉर्म को जारी कर दिया है, एक बार ट्रायल रन भी नहीं किया था उन्होंने, ट्रायल रन भी स्टूडेंट से ही करवाया। बहुत सारे स्टूडेंट ने गलत फॉर्म भी भर दिया उस चक्कर में। तो अब 4 तारीख से आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा, तो उसका संबंध में देखिएगा। अभी और बीपीएससी को करना चाहिए, उसको फुल एडिट का ऑप्शन देना चाहिए, उसको अपना पुराना रजिस्ट्रेशन डिलीट करके नया रजिस्ट्रेशन करने का भी ऑप्शन देना चाहिए। आप स्टूडेंट के लिए काम कर रहे हैं तो स्टूडेंट के हाथों में अधिकार दीजिए, उसका मर्जी वो अपना सब जो चेंज करना चाहे करे, वो आपका क्या जा रहा है, वो उसका मर्जी, वो अपना परमानेंट एड्रेस बिहार में एक जगह से दूसरा जगह करे। आपने परमानेंट एड्रेस में एडिट का साइन नहीं दिया है, आधार अपडेट का नहीं दिया है, तो ये सब चीज़ें बीपीएससी को सोचना चाहिए, उसको फुल एडिट का ऑप्शन देना चाहिए और अपना रजिस्ट्रेशन डिलीट करने का भी ऑप्शन देना चाहिए कि आप अपना पुराना रजिस्ट्रेशन डिलीट करके नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करें, इसका भी ऑप्शन देना चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये नहीं देने के कारण से फिर भी कई सारे लोगों को दिक्कत होगा। बहुत सारे बच्चों के नाम में एरर थे, फादर नेम में एरर थे, मदर नेम में एरर थे, परमानेंट एड्रेस उनको चेंज करना है, इस संबंध में एरर हैं अभी भी और वो चेंज नहीं कर पाएंगे वो 4 तारीख के बाद भी। इसलिए बीपीएससी को अभी और भी सुधार करना चाहिए, थोड़ा सा सोच समझ का फैसला लेना चाहिए कि क्या कर रहे हैं। ओके, देखिए ये तो हो गया आपका, लेकिन जो मुख्य न्यूज़ है वो है क्या, तो 12 अक्टूबर से शुरू हो रहा है इंटर्नशिप प्रोग्राम। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम जो है वो 12 अक्टूबर से शुरू होगा।
बजट 2024-25 में निर्मला सीतारमन जी के द्वारा बजट 24-25 में इस चीज़ का ऐलान किया गया था, बजट 24-25 में ऐलान किया गया था, तो वो स्कीम जरा हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद नेशनल स्टैटिकल कमीशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहली महिला जो है वो आर्मी जो मेडिकल सर्विस होता है उसकी हेड बनी है पहली महिला, उसको भी देखेंगे। बिहार का एक हिटमैन बड़ा फेमस हो रहा है, बिहार का एक खिलाड़ी है जिसने 12 वर्ष की उम्र में बिहार रणजी खेला था, 12 वर्ष की उम्र में बिहार रणजी खेला था और अभी अंडर 19 में फास्टेस्ट उसने रन बनाया है, उसको भी ज़रा देखेंगे। और भी कई सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगा, जैसे नाटो के चीफ चेंज हुए हैं, NGT है, ये सारे के सारे न्यूज़ चर्चे में हैं। एक एक करके देखते चलते हैं, ध्यानपूर्वक वीडियो को अंत तक देखिएगा। हेडलाइन में जो काम का था वो मैंने बता दिया है, बाकी ईरान और इज़राइल का युद्ध होने दीजिए, कर रहे हैं करने दीजिए, हमारे ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा उससे संबंधित जब आर्टिकल आएंगे तो हम उसको ज़रूर पढ़ेंगे। दोनों से हमारी मित्रता बहुत अच्छी है, ईरान से हम तेल लेते हैं और ईरान में चाबहार पोर्ट भी हम बना रहे हैं और ईरान के साथ हमारे सामरिक संबंध रहे हैं, वहीं इज़राइल के साथ भी हमारे संबंध काफ़ी गहरे हैं, भारत और इज़राइल की मित्रता काफ़ी गहरी है, हथियारों की सप्लाई से लेकर और भी कई सारे चीज़ों के क्षेत्र में हम साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर से लेकर वाटर सप्लाई से लेकर इरीगेशन से लेकर हर क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं मिलकर। इसलिए इज़राइल और ईरान के बीच में अगर युद्ध होता है तो भारत के लिए बहुत ही मुश्किल होगा दोनों देशों को टैकल करना। भारत सरकार वही नीति अपनाएगी कि हम शांति के मान्यता देते हैं, युद्ध मत कीजिए, ये युद्ध का समय नहीं है, बातचीत करके आपको मामलों को सॉल्व करना चाहिए, भारत सरकार की वही नीति होगी। देखिए ऑफिशियल बयान आज आ जाएगा सरकार का, उसके पश्चात हम लोग उस चीज़ पर ही चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग देखिए प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम को पढ़ते हैं, जिसके जुड़े हुए प्रावधान जो हैं और उससे जुड़े हुए जो छोटे छोटे क्राइटेरिया है वहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। देखिए क्या बोला गया, पोर्टल फॉर स्कीम इंटर्नशिप स्कीम विथ टॉप 500 फर्म टू ओपन अक्टूबर 12 से ये पोर्टल ओपन हो जाएगा, जिसमें टॉप 500 कंपनी जो हैं वो युवाओं को, देश के युवा जो हैं आप लोग जो हैं आप लोगों को रोज़गार दे सकता है। उसके लिए उम्र की वैधता क्या रखी गई है, 21 से 24 ईयर के होंगे अगर आप तो आप कर सकते हैं और 500 कंपनी आपको दे सकता है जॉब, 5000 से 6000 तक का आपको नौकरी मिल सकता है, इंटर्नशिप मिल सकता है, इंटर्नशिप नौकरी नहीं होता, उसमें आप सीखते हैं काम को दरअसल में। इसमें कौन कौन बैठ सकते हैं, तो कोई भी बैठ सकता है जो भाई कहीं से ग्रेजुएट किया है उन्होंने और वो इसमें बैठना चाहते हैं वो सब इसमें बैठ सकते हैं। देखिए ओनली कैंडिडेट हु हैव पास क्लास 10 एंड डू नॉट हैव ए फुल टाइम जॉब कैन अप्लाई, ऑल्सो दोज फ्रॉम ITI कौशल केंद्र ये सब जो होंगे ये सब एलिजिबल होंगे। अगर कोई टैक्स पेयर के परिवार से बिलोंग करता है, IIT, IIM, IIS, CR, CA, CMS, among इन सब जगहों से पढ़ा हुआ है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। वो कैसे एलिजिबल हो सकता है यार, ये उनके लिए जिनके पास स्किल का अभाव है या तो उनका स्किल बहुत लो है वो इस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, नहीं तो सारे के सारे वही भर जाएंगे। इसलिए भारत सरकार ने पहले ही तय कर दिया है कि ITI और कौशल केंद्र वगैरह से जिन्होंने प्रशिक्षण वगैरह लिया हुआ है वो सब के सब एलिजिबल होंगे। जरा इसको ध्यान से पूरे डिटेल में समझते इस योजना को, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार UPSC ने बड़ा ही सुंदर सा एक सवाल पूछा, UPSC ने पूछा किससे संबंधित, तो प्रधानमंत्री जीवन बीमा से संबंधित एक सवाल पूछा, अटल पेंशन योजना सवाल पूछा, जिसमें उसने एलिजिबिलिटी पूछ ली, उम्र की एलिजिबिलिटी पूछ ली। और प्रधान ये जो अटल पेंशन बीमा है, अटल बीमा है, ये योजना 2019-20 की है और UPSC में कब पूछा है, 2024 से पूछा है। तो ज़रा देखते हैं कि क्या है ये स्कीम, क्या है डिटेल में समझते हैं इसको। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना रोजगार का बढ़ावा देने कौशल कार्यबल की भागीदारी बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री के द्वारा निर्मला सीतारमन जी ने फरवरी माह में जब बजट पेश किया था उसी समय में इसकी चर्चा की थी। और इसके अंतर्गत सरकार का ध्यान युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना, कामकाजी महिलाओं का समर्थन करना और टिकाऊ को कृषि को बढ़ावा देना, ये सब चीज़ें इसमें रखी गई हैं। नौकरी चाहने वाले युवाओं को अधिक सहायता देने के लिए सरकार नौकरी बाजार में प्रवेश करने वाले 30 लाख युवाओं को 1 महीने के भविष्य निधि PF अंशदान को कवर करने का प्रोत्साहन भी करेगी। इंटर्नशिप स्कीम को जरा समझते हैं, ध्यानपूर्वक एक एक चीज़ को समझिएगा और क्राइटेरिया याद रखिएगा, क्राइटेरिया एग्जाम में स्टेटमेंट बनाकर आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। तो IIT IIMs अगर आप पढ़ रहे हैं और तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। प्रमुख आकर्षणों में से एक इंटर्नशिप अवसरों के लिए व्यापक योजना की शुरुआत है। सरकार अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को 500 शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप प्रदान करेगी। प्रत्येक इंटर्न को 5000 रुपये प्रतिमाह का भत्ता मिलेगा, साथ ही 6000 रुपये की एकमुश्त सहायता भी मिलेगी। कंपनियों से अपेक्षा की जाती है कि वो अपने CSR फंड का उपयोग करेंगे। CSR क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपकी एक कंपनी है A, आप बहुत बड़े इंटर्न बन गए, बहुत बड़ा आपने कंपनी बना लिया और आपकी कंपनी है A, खूब पैसा कमा रही इस देश से, खूब पैसा कमा रही इस देश में आपकी कंपनी, बिल्कुल छाप रही है, तो सरकार आपको बोलती है कि भाई साहब केवल पैसा ही मत कमाओ बल्कि कुछ सामाजिक चीज़ें भी करो। इसको कहा जाता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड।
ठीक है, CSR कहा जाता है इसको, कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड कहा जाता है। इसके तहत में कंपनी को अपने वार्षिक आय का कुछ परसेंट, 3% है शायद, देखिएगा, वो आपको सामाजिक कार्यों के लिए खर्च करना पड़ता है। जैसे अगर आप किसी धार्मिक जगहों पर जाएंगे तो आप देखेंगे किसी बड़ी कंपनी के द्वारा वहाँ पर क्या किया गया है, तो बहुत बड़ा वाटर कूलर लगा दिया उन्होंने, या उन्होंने रहने के लिए बहुत बड़ा फैसिलिटी सेंटर का निर्माण कर दिया। तो वो सब क्यों करते हैं वो? क्योंकि उनको CSR का उपयोग करना है और ये अनिवार्य है भारत में। जैसे कोई कंपनी अगर आप देखेंगे तो फ्री में क्या करती है, एजुकेशन के लिए फंडिंग करती है, तो वो सब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई उपकार नहीं कर रही है। इस समाज से इतना पैसा कमाया है तो उसके बदले इस समाज में थोड़ा बहुत 2% मात्र खर्च कर रही है। CSR फंड का उपयोग किया जाएगा और इंटर्नशिप लागत का 10% वहन करें। योजना का पहला चरण 2 साल का होगा जबकि दूसरा चरण 3 साल का होगा। इसमें यह भी कहा गया है, पहले वित्त मंत्री महोदय ने बोला था कि ये जो होगा ये कंपनी के लिए अनिवार्य होगा, लेकिन बाद में उन्होंने बोला, ऑफिशियल भारत सरकार ने इसको करेक्ट किया कि हम कंपनियों पर थोपने नहीं जा रहे हैं, ये अनिवार्यता नहीं होगी कंपनियों की, बल्कि ये उनका ऑप्शन होगा कि वो एक कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। इंटर्नशिप अवसर प्रदान करने वाली कंपनियों को उन्हें वास्तविक कार्य अनुभव, कौशल विज्ञान, कौशल विकास सत्र प्रदान करने होंगे। इंटर्नशिप बिताया गया कम से कम आधा समय नौकरी के माहौल में होना चाहिए, नौकरी कक्षा में। जैसे मान लीजिए 500 लोगों को हायर किया, टाटा TCS ने हायर किया इंटर्नशिप को लेकर, ठीक है, टॉप 500 में आती है। तब इन 500 लोगों में जितना देर इनको काम करवाएगा, मान लीजिए इनका 4 महीने का काम है, 4 महीने के काम में कम से कम 2 महीने काम करवाना है इनसे, 2 महीने का काम लेना है इनसे। 2 महीने आप इनको ट्रेनिंग वगैरह दे सकते हैं, लेकिन 2 महीने आपको इनको काम के माहौल में रखना है, रियल वर्क माहौल जो होता है बंधुओं, वो क्लासरूम में जो आप पढ़ते हैं या ट्रेनिंग सेंटर में जो आप पढ़ते हैं उससे बिल्कुल ही अलग होता है। कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी के महत्व को समझाते हुए सरकार ने देश भर में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास स्थापित करने की योजना बनाई है। ये छात्रावास भी कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित और किफायती होंगे। योजना कैसे काम करेगा? 2 चरणों में लागू किया जाएगा। चरण 1 2 साल तक रहेगा, ध्यान में रखिएगा इसको, और ये 3 साल तक रहेगा, 3 वर्ष तक। प्रधानमंत्री इंटरव्यू मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? इस पहल का उद्देश्य युवा व्यक्तियों को वास्तविक जीवन के व्यवसायिक वातावरण में उनको ट्रेनिंग देना है, यही इसका मुख्य लक्ष्य रखा गया है। भाई उनको स्किल दें, उनको काम किस माहौल में होता है ये सिखाएं। देखिए जो लोग नौकरी करते हैं उनके अंदर थोड़ी सी मैच्योरिटी क्यों आ जाती है? क्योंकि प्रोफेशनल माहौल में वो रहते हैं, क्लासरूम का माहौल, कॉलेज का माहौल और जो वर्क प्लेस होता है उसका माहौल बिल्कुल अलग होता है। तो वर्क प्लेस का उनको अनुभव देना ये बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि वो बेसिक चीज़ें सीख सकें, कम से कम एडिकेट तो सीख ही सकें, उसका भी अभाव होता है। साथ में कौन सी तकनीक का उपयोग हो रहा है और किस प्रकार से कंपनियों में काम होता है ये वो कंपनी के अंदर जब तक प्रवेश नहीं करेंगे तब तक कैसे सीखेंगे? तो इस चीज़ का भी भारत सरकार इसमें काम करने जा रही है, तो ये ध्यान में रखिएगा। 210 लाख युवाओं को लाभ होगा, उन्होंने ऐसा बताया है। इंटर्नशिप की पात्रता क्या होगी बंधुओं? तो बजट 24 इंटर्नशिप योजना के लिए केवल 21 से 24 वर्ष की आयु के वे लोग पात्र होंगे जो नौकरी पेशा नहीं है, जिनका नौकरी नहीं मिला हुआ है, पूर्णकालिक शिक्षा में संलग्न नहीं है, वो फुल टाइम ग्रेजुएशन अभी नहीं कर रहे हैं, या तो उन्होंने ITI वगैरह किया हुआ है, या उनकी स्टडी छूट गई है, या तो किसी प्रोफेशनल कोर्स में भी शामिल नहीं है। जैसे मान लीजिए इंजीनियरिंग कर रहे हैं और आप मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट का पढ़ाई कर रहे हैं, तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। फुल टाइम स्टडी में हैं, पूर्णकालिक शिक्षा में संलग्न हैं, तो आपके लिए इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। IIT, IIM, भारतीय विज्ञान संस्थान, अनुसंधान संस्थान, IISER ने अपनी पढ़ाई पूरी करने वाले उम्मीदवार इंटर्नशिप के लिए पात्र नहीं हैं। पात्रता मानदंड इस प्रकार रहे हैं, 21 से 24 मात्र आपकी आयु होनी चाहिए। आप में से कई सारे लोग इससे बाहर हो गए होंगे, 24 साल से ज़्यादा बहुत सारे मैक्सिमम लोगों का हो गया होगा। वर्तमान नौकरी नहीं कर रहे हैं, पूर्णकालिक शिक्षा में संलग्न नहीं है, IIT, IIM इन सब चीज़ों से नहीं है, और ऐसे उम्मीदवार जिनके परिवार का सदस्य नौकरी में है या तो आयकर दाता है। अगर आपके परिवार का सदस्य नौकरी में है या फिर इनकम टैक्स दे रहे हैं, क्या सरकारी नौकरी की बात हो रही? नहीं, प्राइवेट नौकरी में भी अगर कोई है आपके घर का तो फिर आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। घर का मतलब यहाँ पर माँ बाप और आप हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं होता है। आयकर दाता है आपके घर में कोई तो फिर आपको ये इंटर्नशिप नहीं मिल सकता। ये उनके लिए है जिनके घर में कोई नौकरी पेशा नहीं करता, या पेशा करता भी है तो उसकी इनकम इतनी कम है कि वो आयकर नहीं चुकाता, इनकम टैक्स नहीं भरता है।
वित्त मंत्री जी ने कहा कि बहुत लाभ होगा, तो लाभ भी ध्यान में रखिएगा, कौन कर सकते हैं ये जरूर, पात्रता जरूर ध्यान में रखिएगा, यहीं से सवाल पूछा जाएगा आपसे। CSR फंड भी ध्यान में रखिएगा, CSR फंड का कंपनी उपयोग करेगी, कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड का उपयोग करेगी। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, अगला टॉपिक देखिए। अगला जो टॉपिक है वो है आपका NGT से जुड़ा हुआ, जिसमें NGT को हम लोग समझेंगे। दरअसल में दिल्ली में साउथ रिज है, साउदर्न रिज है, दिल्ली के साउदर्न रिज काफ़ी हरा भरा एरिया माना जाता है, अरावली का विस्तार माना जाता है। यहाँ पर इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा था। इसमें दरअसल हो क्या रहा था कि इस क्षेत्र को भारी तौर पर नुकसान पहुँचाया जा रहा था अलग अलग मानवीय गतिविधियों के द्वारा, और इसको दिल्ली का लंग्स कहा जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट भी है यहाँ पर। और दिल्ली में फॉरेस्ट हैं काफ़ी बड़े स्तर पर हैं, लेकिन दिल्ली की आबादी इतनी ज़्यादा है ना, 3 करोड़ लोग छोटे से एरिया में रहते हैं, तो इसलिए इतना ज़्यादा, बाकी यहाँ पर हरियाली काफ़ी ज़्यादा है। तो साउथ जो रिज है उस पर मानवीय गतिविधियों के कारण उसको नुकसान पहुँच रहा था, ऐसा इंडियन एक्सप्रेस ने 9 सितंबर के अपने रिपोर्ट में दावा किया था, जिसके आधार पर सुओ मोटो लेते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली की सरकार को पूछा है कि आप इसके बारे में क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं आप इस चीज़ पर रोक लगा रहे हैं। अरावली रेंज और उसके साथ साथ में दिल्ली के साउदर्न एरिया, जिसको लंग कहा जाता है दिल्ली का क्योंकि काफ़ी हरा भरा एरिया है, उसको मानवीय गतिविधियों के कारण भारी नुकसान पहुंच रहा है, तो उस चीज़ पर NGT ने जवाब माना है। NGT जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है, जिसके बारे में अक्सर PT एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो मैंने पहले भी करवाया है, लेकिन NGT को हम लोग रिवाइज करेंगे, समझेंगे उसके पावर और शक्तियों को, उसके बाद से हम लोग नेशनल स्टैटिकल कमीशन को भी पढ़ेंगे। ओके, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसका नाम है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत में की गई थी। दुनिया में दूसरा देश था भारत जहां पर इस तरह के पर्यावरण से जुड़े हुए एक अलग ही न्यायालय की स्थापना की गई थी। NGT की स्थापना के साथ भारत विशेष पर्यावरण स्थापित करने में दुनिया का तीसरा देश था, पहला विकासशील देश था। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में एक निकाय स्थापित हुई थी, लेकिन भारत तीसरा देश था, विकासशील देशों में दुनिया का पहला देश था जिसने पर्यावरण को लेकर एक अलग न्यायालय की स्थापना की थी। और 1972 स्टॉकहोम के बाद पर्यावरण को लेकर, संरक्षण को लेकर दुनिया में एक्ट बनाने वाला पहला देश कौन था, तो भारत था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, पर्यावरण संबंधी मुद्दों का तेज निपटान करना। रिवाइज कीजिए टॉपिक को, मैं इसलिए भी रिवाइज करवा रहा हूँ, PT में पूछेगा ही, जिससे देश की अदालतों में लगे मुकदमों के बोझ को कम किया जा सके। NGT का मुख्यालय तो दिल्ली में है, लेकिन 4 क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ पर है बंधुओं, तो एक है भोपाल में हो गया, मध्य भारत में एक, पूना हो गया आपका बम्बई महाराष्ट्र पश्चिम भारत में हो गया बिल्कुल ही, कोलकाता हो गया पूर्वी भारत में, और चेन्नई हो गया आपका साउदर्न इंडिया में है, नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, कोलकाता में है, जो नॉर्थ ईस्ट और बाकी के भारत के बीच में ठीक पड़ता है वहाँ पर है। आपको याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको एग्ज़ाम में कभी भूलेंगे नहीं अगर आप ये मैप याद रखेंगे। एक दक्षिण में हो गया, एक पश्चिम में हो गया, एक मध्य में हो गया, एक दिल्ली में तो होगा ही क्योंकि ये प्रशासनिक हब है, और एक पूरब में कोलकाता में हो गया, ठीक है, तो एक पूना में हो गया, अब आपको याद रहेगा कभी नहीं भूलेंगे, एक कोलकाता में हो गया, एक भोपाल मध्य भारत में ठीक में हो गया, दिल्ली में तो होगा ही क्योंकि प्रशासनिक हब है ये भारत का, और एक कोलकाता में हो गया पूर्वी भारत को लेकर, तो ये ध्यान में रखेंगे आप लोग, सारा ध्यान में रखिएगा, ये पूछ लेगा आपसे। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय को भी ध्यान में रखें। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के अनुसार NGT के लिए अनिवार्य है कि उसके पास आने वाले पर्यावरण संबंधी मुद्दों का निपटान 6 महीने के भीतर हो जाए। भारत में इसको हाईकोर्ट के समान शक्तियाँ प्राप्त है, NGT के फैसले के विरुद्ध आप केवल सुप्रीम कोर्ट में ही जा सकते हैं, तो NGT बड़ा ही महत्वपूर्ण है। NGT की संरचना क्या है, एक NGT में अध्यक्ष होते हैं, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य शामिल होते हैं, 3 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो तक पद पर रहते हैं, और पुनर्नियुक्त नहीं होता है, वो एक बार काम हो गया निकलो, अब आपका पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकता है। अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक चयन समिति बनाई जाती है। यह आवश्यक है कि अधिकरण में कम से कम 10 और अधिकतम 20 पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ शामिल होंगे। बहुत ही पावरफुल बॉडी है ये, मैं आपको बता दूँ कि ये जनता के डायरेक्ट मामले भी कई बार सुओ मोटो जैसे अपनी न्यूज़पेपर से उठा लिया, तो आप भी इसमें अगर कोई केस दायर करते हैं तो ये तुरंत फैसला देता है, और कई जनता फ्रेंडली है ये, मतलब आपके लिए फैसला देगा, ठीक ना। जैसे एक बार बड़ा ही अद्भुत केस आया था कि एक दिल्ली के एक बच्चे ने केस किया था कि वह उसके घर के बगल मेट्रो का काम चल रहा था, जिसके कारण वो रात को सो नहीं पाता था, बहुत तेज़ आवाज़ होती है मेट्रो के काम के कारण से, तो उसने NGT में किया था, तो NGT ने बोला था कि आप दिन के समय ही कर सकते हैं, रात्रि में नहीं कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि वो सोने का समय होता है और लोगों को डिस्टर्ब होता है। तो क्या है, तो भाई ये भी हमारे पर्यावरण से ही जुड़ा हुआ है। अधिकरण का न्याय क्षेत्र बेहद विस्तृत है, यह उन सभी मामलों की सुनवाई कर सकता है जिनमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण शामिल हो, ठीक है।
इसमें पर्यावरण संबंधित कानून अधिकारों को लागू करना भी शामिल है। अक्टूबर 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने NGT को एक विशिष्ट मंच के रूप में घोषित करते हुए कहा कि वह देश भर में पर्यावरणीय मुद्दों को उठाने हेतु सुओ मोटो लेने की शक्ति इस संबंध है, और इसी का सुओ मोटो लिया है। अभी आपसे स्टेटमेंट बनाकर यही पूछ सकता है कि क्या NGT के पास में सुओ मोटो लेने की यानी कि खुद से किसी केस को सुनने का अधिकार है। अगर मान लीजिए कोई नहीं गया उसके पास में, उसने न्यूज़पेपर में देखा, स्वतः संज्ञान बोलते हैं इसको हिंदी में, क्या बोलते हैं, स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति है, तो बिल्कुल है उसके पास में। ये स्टेटमेंट ध्यान में रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की भूमिका केवल न्याय निर्णय तक सीमित नहीं है। ट्रिब्यूनल को कई अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाएं भी निभानी है जो प्रकृति में निवारक, सुधारात्मक या उपचारात्मक हो सकती है। एक वैधानिक निकाय होने के कारण NGT के पास अपीलीय क्षेत्राधिकार है जिसके तहत वह सुनवाई कर सकता है। नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 में भी इसको NGT को बाध्य किया है, तो उल्लेखित न्यायिक प्रक्रिया पालन करने के लिए NGT बाध्य नहीं है। किसी भी आदेश, निर्णय, अधिनिर्णय को देते समय आवश्यक है कि NGT उस पर सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, निवारक और प्रदूषक भुगतान आदि सिद्धांत लागू करे। ध्वनि प्रदूषण, मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया वो ध्वनि प्रदूषण का था। जैसे आपने सुना होगा कि NGT ने बोला है कि दिल्ली में दिवाली के से लेकर और जनवरी फरवरी तक पटाखे नहीं छोड़े जाएंगे, तो क्या है भाई, तो प्रदूषण से जुड़ा हुआ मुद्दा है वो। अधिकरण अपने आदेश पर्यावरण प्रदूषण या किसी अन्य पर्यावरणीय क्षति के पीड़ितों को क्षतिपूर्ति प्रदान कर सकता है, क्षतिग्रस्त पर संपत्ति को बहाल अथवा उनका पुनर्निर्माण करवा सकता है। आदेश अधिनिर्णय का निष्पादन न्यायालय के आदेश के रूप में करना होगा। NGT अधिनियम में नियमों का पालन न करने पर दंड का प्रावधान भी किया गया है। एक निश्चित समय के लिए कारावास, जिसे अधिकतम 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, 10 करोड़ रुपये तक का दंड या दोनों चीज़ आपको लग सकता है। और कई सारे एक्ट के से इसको क्या मिला हुआ, तो शक्ति मिला हुआ है। एक चीज़ और देखिए, NGT द्वारा दिए गए आदेश या अधिनिर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में 90 दिन के भीतर अपील आप कर सकते हैं। अगर NGT ने कोई आदेश दिया है तो वो हाई कोर्ट में नहीं लेकर जा सकते हैं आप, वो आपको सुप्रीम कोर्ट में ही लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि हाई कोर्ट के समतुल्य इसको शक्तियाँ दी गई हैं। ध्यान में रखिएगा, ये संवैधानिक बॉडी नहीं है, संविधान में इसकी कोई चर्चा नहीं है। हालांकि मांग जरूर हो रही है कि इसको संवैधानिक बॉडी बना देना चाहिए। ये वर्तमान में एक वैधानिक बॉडी है जिसको 2010 में एक्ट के द्वारा स्थापित किया गया था, और देश में जितने एक्ट हैं पर्यावरण से संबंधित उन सभी एक्ट से जुड़े हुए चीज़ों पर यह फैसला सुना सकता है, सुओ मोटो ले सकता है, दंड दे सकता है, 3 साल तक का कारावास भी दे सकता है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक है आपका जिसमें सोनम वांगचुक से जुड़ा हुआ है। सोनम वांगचुक को जानते होंगे, ये 3 इडियट के रेंचो हैं। 3 इडियट मूवी में जो रेंचो दिखाया गया था, रेंचो की पृष्ठभूमि इन्हीं से बनी थी। बहुत ही फेमस एक्टिविस्ट हैं और इन्होंने लद्दाख से दिल्ली तक की यात्रा की है कुछ मांगों को लेकर। कुछ मांग में 6th शेड्यूल भी शामिल है, विशेष राज्य का दर्जा शामिल है। दरअसल में 2019 में जब धारा 370 को निरस्त किया गया, उसके पश्चात से ही चर्चा में है लद्दाख। लद्दाख को UT बनाया गया, अर्बन यूनियन टेरिटरी बनाया गया, और लेकिन अब ये मांग कर रहे हैं कि हमें लद्दाखी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो विशेष अधिकार चाहिए, और भारत की सीमावर्ती राज्य जो हैं वहाँ पर विशेष अधिकार इनको मिलने चाहिए नहीं मिलने चाहिए, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन ये दिल्ली आए थे 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर, इनका क्या था, राजघाट जाने का इनका था प्रोग्राम, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करने के बाद बहुत सारे लोग इनके साथ आए तो उनको गिरफ्तार किया गया है। हम लोग देखेंगे कि लद्दाख के जो ये एक्टिविस्ट हैं, लद्दाख के मांग नहीं है, लद्दाख के एक्टिविस्ट की मांग है। हालांकि लद्दाखी लोग इनको बहुत भारी मात्रा में समर्थन करते हैं, लेकिन भारत में जो अलग अलग समूह हैं, कोई बोलता है चीनी एजेंट है, ये वो सो नहीं, अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने देश के लिए। हमारे देश की जो सेना रहती है हाई अल्टीट्यूड में, उसके लिए घर भी इन्होंने बनाया, एक इस प्रकार का घर जिसमें सेना के जवान अच्छे से सो सकें। उनको हीट की आवश्यकता एक्सटर्नल, जैसे कोयला भी नहीं मिल पाता है, बिजली भी नहीं मिल पाता है सीमावर्ती क्षेत्रों में, तो इस प्रकार का इन्होंने घर डिजाइन किया जिसमें आसानी से वो लोग रह सकते हैं, कड़े से कड़े ठंड में भी रह सकते हैं, और वहाँ पर उनको ठंड नहीं लगेगा, उनकी जान नहीं जाएगी। और भी कई सारे चीज़ों इन्होंने किया है जिसको लेकर इनकी बहुत प्रशंसा की जाती है, और भारत सरकार ने भी किया है कई बार। वर्तमान में ये मांग कर रहे हैं, इसकी मांग को जरा हम लोग देखेंगे, क्योंकि उसमें से सवाल आपसे बन सकता है। सवाल क्या क्या बन सकता है देखिए, लद्दाख की प्राथमिक मांगें क्या हैं, पृष्ठभूमि तो आपको बता ही दिया मैंने। लद्दाखी लोग जो हैं उनकी संस्कृति बिल्कुल अलग है और उनका कल्चर अलग है, ट्राइबल प्रमुख हैं यहाँ पर लोग, और बहुत ही मेहनती होते हैं, अद्भुत संस्कृति है यहाँ का, बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और ये हमेशा से मांग कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर से हमें अलग कर दिया जाए, और भारत सरकार ने अलग कर भी दिया था।
देखिए क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। प्राथमिक मांग क्या है, आंदोलन का नेतृत्व करने वाले दो सामाजिक राजनीतिक संगठन की मांग है कि 370 और 35A के तहत केंद्रशासित प्रदेश के लिए सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। उनकी प्राथमिक मांगें निम्नलिखित शामिल हैं, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा, पहले वो मांग कर रहे हैं, अधिक राजनीतिक स्वायत्ता और निर्णय लेने की शक्तियों के संदर्भ लद्दाख को उनके वर्तमान केंद्रशासित प्रदेश के दर्जे के स्थान पर एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान करने की मांग कर रहे हैं वो। छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा उपाय, सिक्स शेड्यूल किसके लिए बनाया गया है, ATMM, इसमें बोल रहे हैं कि अब इसमें L भी ऐड कर दो, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इसमें रहने वाले जनजातीय वर्गों को ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बनाने का अधिकार दिया जाता है, जहां पर उनके अपने कानून बनाने वाले छोटे से ग्रुप काम करता है, वो अपने कानून बनाते हैं और अपने स्तर से लागू करते हैं और राज्यपाल महोदय उसको हेड करते हैं और राज्यपाल महोदय डायरेक्ट राष्ट्रपति को रिपोर्ट करते हैं। संसद द्वारा बनाया गया कोई कानून भी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट जो होता है, जिसको स्वायत्त जिला कहा जाता है, जो इन राज्यों में अभी वर्तमान है, ATMM में विद्यमान है, उन वहाँ पर संसद के द्वारा बनाया गया कानून भी डायरेक्टली लागू नहीं होता है, जब तक कि उस डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस जो काउंसिल होता है वो काउंसिल उस चीज़ को लागू नहीं कर दे तब तक संसद द्वारा बनाया गया कानून भी लागू नहीं होता है। भारतीय इतिहास से सीख लेते हुए, जनजातियों के विद्रोह से सीख लेते हुए, भारत के संविधान निर्माताओं ने बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्वक सिक्स शेड्यूल के डाला था, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के लिए स्वायत्त परिषदों का निर्माण किया जाता है। इसमें लद्दाख मांग कर रहा है कि हमारी संस्कृति भी बड़ी विशिष्ट है, हमारे यहाँ के लोग विशिष्ट हैं, इसलिए हमें भी इसमें ऐड किया जाए। नौकरियों में आरक्षण, लद्दाख के युवाओं के लिए वहाँ के रोजगार में आरक्षण की मांग कर रहे हैं कि लद्दाख में लद्दाखी लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए रोजगार को लेकर। पृथक संसदीय निर्वाचन का निर्माण करने की मांग करें, प्रत्येक क्षेत्र के विशिष्ट जनसांख्यिकी और भौगोलिक विशेषता को दर्शाने वाले लेह व कारगिल के लिए अलग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना का प्रस्ताव रखा है। गृह मंत्रालय लद्दाख के प्रतिनिधियों के साथ संवाद करने के लिए उच्चाधिकार समिति गठन किया है। अनुच्छेद 35 से वर्तमान में अप्रभावी है। वर्तमान में लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त किए जाने के क्या कारण हैं, सांस्कृतिक व जनसांख्यिकी की भिन्नता है यहाँ पर, लद्दाख में बौद्ध धर्म की बहुलता, पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर की मुस्लिम बहुल आबादी से काफ़ी भिन्न है और इसीलिए भी इनको क्या था कि हमें यूटी बना दो। ये अंतर अक्सर संसाधन आवंटन, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सांस्कृतिक संरक्षण को लेकर चेतनाएं उत्पन्न करता था, इसलिए भारत सरकार ने इसको अलग कर दिया था। सुरक्षा संबंधी दृष्टिकोण भी है, चीन और पाकिस्तान दोनों की सीमाएं लगती हैं इस क्षेत्र से और यहाँ पर सैन्य जो है गतिविधि वो भी ज़्यादा होती है, तो इसलिए भी इसको भारत सरकार ने यूटी कर दिया था। विकासात्मक परिपेक्ष, भारत सरकार ने संभवतः लंबे समय से चली आ रही शिकायतों को दूर करने, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करने, इस क्षेत्र विकास गति प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख का निर्माण किया था। भारत में राज्यों के गठन संबंधी संवैधानिक प्रावधान क्या है, तो भारत के संविधान का आर्टिकल 3 में कहा गया है कि संसद क्या कर सकती है, संसद आधे से अधिक लोगों के बहुमत के द्वारा, संसद आधे से अधिक सदस्यों के बहुमत के द्वारा नए राज्य का निर्माण, उनका नाम परिवर्तन, किसी राज्य को छोटा करना, किसी राज्य को बड़ा करना, सब कुछ कर सकती है, ये अनन्य अधिकार मिला हुआ है। अतिरिक्त विमर्श वगैरह क्या है, यही है कि राज्यों के निर्माण से संबंधित जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो केंद्र सरकार के पास में, केंद्र सरकार किसी राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दे सकती है, पूर्ण राज्य का दर्जा वापस ले सकती है, किसी राज्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट सकती है और ये संविधान का संशोधन भी नहीं माना जाता है क्योंकि आधे से अधिक मेंबर से ही हो जाता है, 51% मेंबर से ही ये सब काम हो जाता है। जब चाहे तब बिहार को 4 बिहार बदल सकता है, यूपी को 3 यूपी में बदल सकता है, यूपी बिहार को 1 करके एक बड़ा राज्य निर्माण कर सकती है संसद। छठी अनुसूची क्या है बंधुओं, तो छठी अनुसूची में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 242(2), ये कौन सा ध्यान रखे, 244(2) कौन ध्यान में रखेगा आप, 4 पूर्वोत्तर राज्य ATMM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जनजातीय क्षेत्र प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान शामिल है। उद्देश्य क्या था, तो गैर जनजातीय संस्थानों के हस्तांतरण को रोकना, संसाधन जो है जनजातियों के वो उन्हीं के पास में रहे, वो किसी दूसरे के पास में ना जाए, इसी चीज़ को लेकर इसको बनाया गया था। स्वायत्त जिला और क्षेत्र होता है, पहले ही मैं आपको समझा चुका हूँ, जिला और क्षेत्रीय परिषद भी होता है, ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ। यहाँ पर जो भी कुछ होता है इनमें राज्यपाल द्वारा नामित 4 सदस्यों होते हैं, जबकि शेष का चयन वयस्क मताधिकार के आधार पर उस जिले के लोग करते हैं। गारो, खासी, जयंतिया, मेघालय में 3 डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल हैं, वहाँ के लोग चुनाव करेंगे, 4 लोगों को राज्यपाल नामित करेंगे और वो लोग उस जिले का शासन चलाएंगे। इस प्रकार स्वायत्त क्षेत्र के रूप में नामित प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की जाती है। मेघालय में 3 हैं,
गारो, खासी, जयंतिया, मैंने तीनों का नाम बता दिया। ATMM असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम में छठी अनुसूची लागू है। मांग कर रहे हैं कि लद्दाख में भी किया जाए। नेक्स्ट टॉपिक पर चल, जमैका के राष्ट्राध्यक्ष जो हैं उनका भारत दौरा हुआ है, प्रधानमंत्री जी उनसे मिले हैं और उन्होंने बोला है कि दिल्ली में जो जमैका के एम्बेसी है उसके सामने का रोड जो है उसको जमैका रोड के नाम से जाना जाएगा। और ये भी बोला है कि भारत अपने डेवलपमेंट का जो भी अनुभव है और जिन जिन क्षेत्रों में हमारा अनुभव है, एग्रीकल्चर हो, डिजिटल टेक्नोलॉजी हो, एजुकेशन हो, वो सारे अनुभव हम जमैका के साथ साझा करेंगे और भारत और जमैका एक अच्छे संबंध को लेकर आगे बढ़ेंगे। भारत के गिरिमिटिया लोग 180 वर्ष से जमैका में रह रहे हैं। जमैका के राष्ट्राध्यक्ष का भारत दौरा हुआ है। जमैका के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे, मैप भी देखेंगे इसका। छोटा सा द्वीपीय देश है, कहाँ पर, तो सेंट्रल अमेरिका में जो द्वीपीय देश है वहाँ पर है ये देश जमैका, छोटा सा है। देखिए जरा वहाँ के लोग जो होते हैं बहुत अच्छे रनर होते हैं, माने जाते हैं। जमैका को जरा देख लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलेंगे। जमैका ग्रेटर एंटलीज पर स्थित एक द्वीपीय राष्ट्र है। देखिए यहाँ पर है ये छोटा सा, है ना, इसकी सीमा भी किसी देश से डायरेक्टली नहीं लगती, द्वीपीय देश है। 234 किलोमीटर लंबाई और 80 किलोमीटर चौड़ाई वाले इस द्वीपीय राष्ट्र का कुल विस्तार 11,100 वर्ग किलोमीटर है। कैरेबियन सागर में स्थित यह देश क्यूबा, क्यूबा बहुत ही खास देश माना जाता है। हवाना कैपिटल है इसका। फिदेल कास्त्रो का नाम सुना होगा आपने, चे गेवरा का नाम सुना होगा, जिसका टी शर्ट पहन के घूमते रहते हैं आप लोग, है ना। और 275 किलोमीटर हैती से, इतना है ये, स्पेनिश अधिशासन के दौरान सेंटियागो और बाद में ब्रिटिश क्राउन उपनिवेश जमैका बन गया था। और 28 लाख आबादी के साथ यह देश उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बाद तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। राष्ट्रकुल के सदस्य के रूप में यहाँ के मुखिया महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हैं। यहाँ की राजधानी किंगस्टन है। यहाँ की राजधानी क्या है, किंगस्टन है। छोटा सा देश है, छोटा सा देश है, इसका नाम जरूर ध्यान रखिएगा। कहाँ पर है, तो सेंट्रल अमेरिका में, और इसकी राजधानी क्या है, किंगस्टन है इसकी राजधानी, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते, अगला टॉपिक है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, जो बहुत ज़्यादा चर्चा में है। क्यों चर्चा में है भाई, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग से जुड़ा हुआ एक आयोग था जिसको डिजॉल्व किया गया भारत सरकार के द्वारा। और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को माना जा रहा है, भारत सरकार ने एक विधेयक भी लाया था पिछली बार जो अभी पास नहीं हुआ है, माना जा रहा है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को भारत सरकार क्या करेगी, तो परमानेंट एक कमीशन के तौर पर हो सकता है कि संवैधानिक प्रावधान भी डाल दे। लेकिन अभी बातचीत ही चल रही है, न्यूज़पेपर में चर्चा में है, तो आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्यों, सुनिए ध्यान से, गवर्नमेंट डेटा को डीपॉलिटिसाइज करना और राजनीति, क्या बोलते हैं, बिना राजनीति के, बिना किसी बाइसनेस के गवर्नमेंट के डेटा को जारी करना, जो भारत सरकार किसी भी चीज़ से जुड़े हुए डेटा होते हैं, जैसे जॉब रिलेटेड डेटा हो, जैसे गरीबी रिलेटेड डेटा हो, जैसे कोई भी डेटा जो भारत सरकार जारी करती हो, तो डेटा जो हो वो डीपॉलिटिसाइज हो, उसका राजनीतिकरण ना हो, इसीलिए इस बॉडी का विचार किया गया था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जब इसने जॉब से जुड़े हुए डेटा जारी करना चाहा तो भारत सरकार ने रोक दिया। तो इसके सदस्यों ने 2019 में पूरे पैनल ने इस्तीफा दे दिया था कि आप हमें रोक रहे हो जॉब से जुड़े हुए डेटा जारी करने से, तो हम अपना इस्तीफा दे देंगे जब हम अपना काम ही नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी चर्चा में है, तो जरा देखिए कि NSC क्या काम करता है और क्यों इसको महत्वपूर्ण माना जाता है, कब इसको स्थापित किया गया था। इंडियन एक्सप्रेस में जो दिया गया है, एक चीज़ मैं पहले ही डाउट यहाँ पर बता देता हूँ, आप भी एक बार सर्च कीजिएगा। इंडियन एक्सप्रेस ने बोला है कि 2006 में स्थापित हुआ था ये, लेकिन ऑनलाइन जितने भी IAS के इंस्टीट्यूट के वेबसाइट हैं उन सभी जगहों पर लिखा हुआ 2005। तो एक बार ये ज़रूर कन्फर्म कर लीजिएगा कि 2006 में हुआ है या 5 में हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस ने 2006 लिख दिया है और बाकी जगहों पर 2005 लिखा हुआ है। जनवरी 2000 में सरकार ने डॉक्टर सी रंगराजन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसका उद्देश्य देश की समस्त सांख्यिकी प्रणाली, जो हमारा एस्टेटिकल प्रणाली है, पूरा डेटा जुड़ा हुआ प्रणाली है देश का, तथा सरकार की सांख्यिकी आंकड़ों की समीक्षा करना था। 2000 में डॉक्टर सी रंगराजन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में सांख्यिकी के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन की बात की गई। अब सी रंगराजन समिति ने बोला कि एक राष्ट्रीय आयोग ही बना दीजिए आप किसको लेकर, तो डेटा जारी करने को लेकर, और भारत सरकार ने तुरंत फिर निर्माण भी कर दिया। इसका कार्य देश के सभी प्रमुख सांख्यिकी गतिविधियों की निगरानी, विकास और इनके लिए उत्तरदायी विभिन्न संस्थानों के लिए सहयोग स्थापित करना था। संग्राजन समिति का सुझाव था कि शुरुआत में इस आयोग का गठन सरकार के आदेश के द्वारा हो। समिति की अनुशंसा पर 1 जून 2005 को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का गठन कर दिया गया। इसमें एक अध्यक्ष, 4 सदस्य और एक पदेन सदस्य तथा भारत के मुख्य सांख्यिकीविद को NSC का सचिव बनाया गया। वर्तमान नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO NSC का पदेन सदस्य होता है। सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव को भारत का मुख्य सांख्यिकीविद कहा जाता है। और इसी प्रकार से NSC का बॉडी बनता है जिसका काम क्या है,
तो मुख्य रूप से भारत सरकार के डेटा को प्रमाणिक और बिना किसी बायसनेस के जारी करना, सुरक्षित और बिल्कुल सही डेटा लोगों का अधिकार है। लोगों को ये जानने का अधिकार है कि देश में बेरोजगारी का दर कितना है, लोगों को जानने का अधिकार है कि गरीबी का दर कितना है, जीडीपी का हमारा बढ़ने का दर कितना है। इससे जुड़े हुए जो सबसे अच्छे और प्रमाणिक डेटा माने जाते हैं वो एनएससी के द्वारा जारी किए जाते हैं, लेकिन 2019 में भारत सरकार ने इनको जॉब रिलेटेड डेटा जारी नहीं करने दिया था, तो उसका विरोध करते हुए इसके सभी सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया था। उस समय भी ये चर्चा में आया था और 2022 में भी चर्चा में था, 24 में भी अभी चर्चा में आया है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अगला जो टॉपिक है वो देखिए क्या है, बड़ा ही अद्भुत सा टॉपिक है, फर्स्ट वुमेन डॉक्टर टू बिकम DGAFMS। ये क्या होता है भाई, तो इनका नाम क्या है, इनका नाम देखिए आरती सरेन, सर्जन वाइस एडमिरल, हैज हेल्ड पोस्ट इन ऑल थ्री सर्विस, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। अब इनको DGAFMS, अब ये क्या होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म फोर्सेज मेडिकल सर्विस। जितने भी आर्म फोर्स हैं भारत में, इंडियन नेवी हो गई, इंडियन आर्मी हो गई, इंडियन एयरफोर्स हो गया, इन तीनों से जुड़े हुए जो मेडिकल सर्विस होती है, उसके सबसे हेड का पद इन्होंने ग्रहण किया है। इनका नाम क्या है, पहली बार किसी महिला ने इस पद को ग्रहण किया है, इसीलिए इसको माना जा रहा है कि बहुत ही बड़ा कदम था, बहुत ही शानदार रहा इनका करियर भी। और फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू अपॉइंट टू द पोजीशन, इनका नाम क्या है, तो इनका नाम जरूर ध्यान रखिए, आरती सरेन इनका नाम है, सर्जन वाइस एडमिरल हैं, तीनों सेवाओं में इन्होंने काम किया, तीनों सेना में काम किया है, और 60 साल की हैं अभी ये। और ये जो पद होता है ये डायरेक्टली मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करता है, जो मिनिस्ट्री होगा ना, कौन सा मिनिस्ट्री, तो भाई डिफेंस मिनिस्ट्री, वो डायरेक्ट उसको रिपोर्ट करेंगे। और भारत में मेडिकल सर्विस में, आर्मी में जो मेडिकल सर्विस होता है उसका सर्वोच्च पद हो गया ये, तो बहुत ही अच्छा पद होता है ये, और एक ही पद होता है देश में, उसको इन्होंने धारण किया है। इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा, और ये 46वीं DGAFMS होंगी, 46वां पद था ये, 46वें नंबर पर इनका है, 46वें DGAFMS, इससे पहले 45 और रह चुके हैं, 46वीं ये बनेंगे, इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अगला एक एडवर्टाइजमेंट था जहाँ से आपके एग्ज़ाम में सवाल बन सकता है, बापू टावर है, बापू टावर का निर्माण किया गया है कहाँ पर, तो पटना में किया गया है, बापू टावर का उद्घाटन होगा आज, मुख्यमंत्री महोदय नीतीश कुमार जी द्वारा किया जाएगा, और ये भी ध्यान रखिएगा कब किया जा रहेगा, तो 2 अक्टूबर को किया, पटना के गर्दनी बाग इलाका, मैं तो नहीं गया हूँ, आप लोग पटना में रहते हैं तो आपको पता होगा, वहीं पर इसका उद्घाटन किया जा रहा है, इनॉग्रेशन हो रहा है, और इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। छोटा सा पीटी फैक्ट है, मान लीजिए बहुत ख़राब सवाल पूछा तो पूछ लेगा बापू टावर कहाँ बनाया गया है, वैसे तो नहीं पूछेगा लेकिन बता दिया है, मेरा काम है बताना, ध्यान में रखिएगा इसको। और बस यही है, इसमें 2 अक्टूबर को उद्घाटन किया जा रहा है। अगला टॉपिक देखिए क्या, नाटो जो है, नाटो जिसको नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, पश्चिमी देश और अमेरिका का एक गुट है जो रूस के खिलाफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया था, उसके नए हेड बने हैं, उनका नाम है मार्क रूटे, डच में नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, और डच भाषा में इसका रुट कहा जाता है, इसको उच्चारण में मैंने देखा भाई इसका क्या है, तो मार्क रुट जो है ये नए हेड बने हैं किसके, तो नाटो के नए हेड बने हैं, और इन्होंने बोला है कि यूक्रेन को हम सहायता जारी रखेंगे और नाटो के सभी देशों को सुरक्षित रखने का हमारा क्या होगा, तो मुख्य उद्देश्य होगा। इसका नाम जरूर ध्यान रखिएगा, इनका जो डच पहले प्राइम मिनिस्टर थे अब क्या बने हैं, तो ये नाटो के हेड बने हैं, इनका नाम जरूर ही ध्यान रखिएगा, नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर थे ये। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, अगला देखिए, वंडर किड फ्रॉम समस्तीपुर, क्या नाम है इसका, तो बिहार के वैभव सूर्यवंशी नाम है इनका, अद्भुत खिलाड़ी है ये, अद्भुत है, हिटमैन बनेगा ये, 12 साल की उम्र में बिहार रणजी खेला था, बिहार रणजी 12 साल की उम्र में खेला था, आप समझ सकते हैं। तो अभी इसने अंडर 19 में अटैक किया और 104 रन मारा 62 बॉल में, और सेकेंड फास्टेस्ट जूनियर में, अंडर 19 में सेकेंड फास्टेस्ट रन था, बिहार के समस्तीपुर से बिलोंग करता है, इसलिए इनका नाम जरूर ही ध्यान रखिएगा। और अंडर 19 जो में इससे पहले का जो रिकॉर्ड है वो मोइन अली के नाम था, जिसने 58 बॉल में सेंचुरी मारा था और 2005 में मारा था,
उसके बाद से सेकेंड फास्टेस्ट किसने मारा है, तो वैभव सूर्यवंशी हैं, बिहार का समस्तीपुर से बिलोंग करते हैं, अद्भुत खेलते हैं, इनका नाम भी जरूर ही ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ही। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं हम लोग, कैसा लगा है ज़रूर ही बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।